सब्सक्राइब करें जी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी सेठी, इसी टेस्टी फूड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ा पाव की सूखी चटनी। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बड़ा पाव के साथ तो खाते ही हैं, बटाटा वड़ा के साथ खाते हैं, आप इसे पकौड़ों के साथ, सैंडविच के साथ भी खाएं और इतनी जल्दी से बन जाएगी। ये आसान तरीके से सिखाऊंगी, बनाइए, खाइए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बनाते समय अगर आप कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं बड़ा पाव की सूखी चटनी। बड़ा पाव की सूखी चटनी के लिए मैंने 8-10 लहसुन की तुरियां छील ली हैं। आप चाहें तो छील के भी के साथ भी ले सकते हैं, किसी ऐसे भी लेते हैं कुछ लोग, पर बरसात का मौसम है और छिलका नहीं ले रही हूँ मैं, इसलिए मैं छील कर ले रही हूँ। 5 से 6 मैं लाल साबुत मिर्च ले रही हूँ। अगर आप कम खाते हैं तो 1 या 2 भी ले सकते हैं, इसकी जगह पाउडर ले लें। 1 चम्मच मैं नमक ले रही हूँ या फिर स्वाद अनुसार। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए है, ये ऑप्शनल है। थोड़े से मेथी दाना ले रही हूँ, यह भी ऑप्शनल है, और वाइट तिल भी, यह दोनों स्वाद को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मैंने सूखा नारियल को कद्दूकस कर लिया है, यह 4 चम्मच है। और मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, यह खाने के 3 चम्मच है। अब हम इन सभी को रोस्ट करेंगे। गैस को ऑन कर उस पर हम पैन रखेंगे और मूंगफली को बिना ऑयल डाले, जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो हम गैस बंद ही कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे पैन गर्म होते ही रोस्ट करेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही पैन गर्म हुआ, 2 से 3 मिनट हमने इसे मंदी आंच पर भून लिया है और अब हम इसे गैस कम कर निकाल लेंगे। बस हमें कच्चापन निकालना है, ज़्यादा नहीं भूननी है। और अब हम मेथी दाना, वाइट तिल और नारियल को तीनों को एक साथ ही डाल देंगे और मंदी आंच ही रखेंगे। और 1 मिनट में ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैन गर्म है। गर्म पैन पे ऐसे ही इसे बस ड्राई करने के लिए ही भून लीजिए 1 मिनट तक, गैस को तेज नहीं करना है। देखिए 1 मिनट हमारा हो चुका है मंदी आंच पर। अब हम इसे भी निकाल देंगे सेम में मूंगफलियों के अंदर ही, थोड़ा रह भी जाए तो कोई नहीं। सेम पैन में हम मिर्च और लहसुन को 1 मिनट तक करेंगे, गैस बंद कर देंगे। पैन हमारा बहुत गर्म है, ये ऐसे ही जब तक गर्म पैन है तब तक इन दोनों को ऐसे ही रोस्ट कर लीजिए। देखिए हमने गैस बिल्कुल नहीं जलाई है, गर्म पैन में ये दोनों चीज़ें ऐसे ही भुन गई हैं। अगर आप ज़्यादा दिन तक चटनी को रखना चाहते हैं तो मिर्च अलग से भून कर 1 मिनट मंदी आँच पर, लहसुन को थोड़ा ज़्यादा भून लें, जिससे कि चटनी हमारी ज़्यादा दिन तक चले। और अगर आप तीखा खाते हैं ज़्यादा तो मिर्च आप और भी ले सकते हैं। अब हम इन सभी को मिक्स कर ठंडा कर देंगे, पंखे में 2 मिनट ठंडा कर मिक्सी के जार में पीसेंगे, गर्मा गर्म ना पीसें। हमने सभी चीज़ों को पंखे में ठंडा कर लिया है। अब हम इन्हें दरदरा सा पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करना है। अगर आपको मुँह में आता अच्छा नहीं लगता है तो आप महीन कर सकते हैं, नहीं तो हल्का सा दरदरा रखिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और अब मैं मिक्सी में इसको पीस लूँगी। देखिए हमारी ताज़ी ताज़ी बड़ा पाव की चटनी गर्मा गर्म तैयार है। इस तरीके से पीसिए, बनाइए और खाइए। अगर आप इतनी दरदरी नहीं खाते हैं तो बारीक भी कर सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर और ज़्यादा कलर भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, दरदरी में ही स्वाद आता है। और इसे बीच बीच में पीसते पीसते चम्मच से हिला लीजिए, ताकि कटर में फंस जाती है, तो फिर 1-2 बार चम्मच हिलाएं, इसके बीच में चलाएं बंद करें 3 से 4 बार। और ये देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी पेज है, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन तीनों के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू।